दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट यूजीसी 2024 परीक्षा परिणाम में कथित धांधली के खिलाफ रायसीना रोड पर विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि 24 लाख छात्रों ने नीट परीक्षा दी थी, जिसमें से 60 से ज्यादा छात्र रैंक एक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और वह भी एक ही केंद्र से। छात्रों और उनके भावकों ने अपनी आवाज उठाई है, जांच होनी चाहिए। किस तरीके से बीजेपी सरकार में इनका जो पुराना छाल है, हर स्टेट में पेपर लीक का, नीट में भी लेके आया इन लोग ने। जो 24 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया है पूरा देश में, उनका सपना है डॉक्टर बनना, इस देश में डॉक्टर बन के सेवा करने का। जो अभी 67 लोगों को, जो उन लोगों के लिए फर्स्ट रैंक दिया है, ये कैसे पॉसिबल है? 67 फर्स्ट रैंक कैसे आ सकते हैं? पहली बार देखने को मिल रहा है। और एक ही सेंटर से 8 बच्चे उसमें हैं, सीरियल नंबर जस्ट 2-3 आगे पीछे है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ करके पूरा देश का जो बच्चे है, जो दिन भर रात मेहनत किया, उनके माँ बाप से लेके सब लोग ने इसको आवाज़ उठाने का काम किया है। 2 बच्ची सुसाइड हुआ है अभी तक, 2 इन लोग ने इसको लेके जल्दी से जल्दी उसका कार्रवाई कमिटी बिठा के इंक्वायरी करो, इसका री एग्ज़ाम करने का, उसका सरकार ने इसका आज फैसला लेना चाहिए। इनको आप लोग ने आज शपथ ले रहे, अच्छी बात है, साथ में ये भी ले लो, लेट करेगा कितने और बच्चे सुसाइड करेगा? क्यों? उस बच्चे लोग ने मेहनत किया है सालों साल से, उनका सपना तोड़ने का काम इन लोग ने किया है। 100% मैं कह रहा हूँ दावा के साथ, इस नीट एग्ज़ाम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें कुछ कौन है इसका जो उनके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर जो सही एक्शन नहीं होगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने जो सरकार आते ही पेपर लीक के लिए करारा कानून इसीलिए लेके आ रहा था, इनका सारा पूरा आज प्रूव होगा। मैं सरकार से यही मांग कर रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी इसको कमिटी बिठा के री एग्ज़ाम करवाइए। जो इंजस्टिस हुआ है बच्चे को, उनको न्याय मिलना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आज हमने सिंबॉलिक तौर पे इतनी प्रोटेस्ट किया है, जो आने वाले दिन में ये बहुत बड़ी लेवल पे, किस लेवल पे करेंगे सरकार सोच नहीं सकते। इस देश का छात्रा को लेके युवा कांग्रेस, हम सड़क पे उतर के इनको समझ क्या वो समझना चाहिए, इनको किस लेवल पे हमने इनको सबक सिखाने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज़।